वहीं भोपाल में पीसीसी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन किया गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान दिग्विजय सिंह, सेवादल अध्यक्ष रजनीश सिंह, एनपी प्रजापति समेत सेवादल और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ कमलनाथ का संदेश वाचन चंद्र प्रभाष शेखर ने किया। संदेश में एमपी में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और सत्ता परिवर्तन का भी जिक्र किया गया। 15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यों का भी इस दौरान बखान किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्य आयोजन स्वतंत्रता दिवस का किया गया। सेवादल अध्यक्ष रजनीश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 74वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या संदेश आज? जी, 74वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कांग्रेस सेवादल की ओर से पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के करकमलों से आज का ये ध्वजारोहण संपन्न हुआ। हम सब कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता संपूर्ण प्रदेशवासी और देशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। सर, आने वाले समय में चुनाव भी होना है, अब उसके लिए कमर कसी जाए? सबसे पहले तो आज लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। जिस ढंग से खरीद फरोख्त कराकर जनता के विश्वास के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनको जिस तरीके से खरीद फरोख्त कर वो सरकार गिराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आज सबसे पहले आवश्यकता है लोकतंत्र को बचाने की, जनता के विश्वास को बचाने की। तो स्वतंत्रता दिवस का ये पूरा समारोह कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की बात जरूर यहाँ से उठकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब पार्टी कमर कस चुकी है। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे।